गुड नून ऑल, टुडे डिस्कस अबाउट द पेट्रोलियम रिफाइनरिंग एंड पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी। ये तमारा फिफ्थ सेमेस्टरनो सब्जेक्ट है। हवे स्टार्ट करीशुं आपणे चेप्टर वाइज बेजिक इंट्रोडक्शन्स, जेमां फर्स्ट चेप्टर है यूनिट वन बेजिक्स ऑफ पेट्रोलियम एंड रिफाइनरी, यूनिट नंबर टू फ्रेक्शनेशन ऑफ पेट्रोलियम, थर्ड वन इज रिफाइनरी प्रोसेस, फोर्थ वन ट्रीटमेंट एंड टेक्निक्स, ओके देन आफ्टर पेट्रोकेमिकल्स ना बेजिक्स वस्तु सी वन सी टू सी थ्री, जे सी वन कार्बन सी टू कार्बन और सी थ्री कार्बन पर आवशे। ओके जो फर्स्ट फोर चेप्टर है ये आवशे पेट्रोलियम रिफाइनरी, और सैकंड पार्ट है यूनिट नंबर फाइव ये तमारो पूरेपूरो पेट्रोकेमिकल्स में आवशे। यूनिट नंबर वन बेजिक्स ऑफ पेट्रोलियम एंड रिफाइनरी। हवे बेजिक्स जोईशुं आपणे, एमां डिस्क्राइब द रिवर्स ऑफ क्रूड पेट्रोलियम ऑइल इन इंडिया, जेमा पेट्रोल डीजल केरोसिन नेफ्था, ओके टाइप्स ऑफ नेफ्था आवशे। देन आफ्टर स्टेट बेजिक्स अकरंस ऑफ पेट्रोलियम्स, ओरिजिन और फॉर्मेशन्स बेसिस पर हाइड्रोजन परसेंटेज के कार्बन परसेंटेज के जुवा रहे। पछी क्लासिफिकेशन ऑफ पेट्रोलियम, जेमा क्लासिफिकेशन ऑफ इवोल्यूशन पेट्रोलियम क्रूड ऑइल आवशे, जे त्रण टाइपना होय छे। ओके द फर्स्ट वन इज अ पेराफिनिक बेस, सैकंड वन नेफ्थेनिक बेस, अने थर्ड वन इज अ मिक्स बेस, जे बेजिक्स ऑफ पेट्रोलियम आवशे। देन आफ्टर डिस्क्राइब हिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम, आखा वर्ल्ड में पेट्रोलियम प्रोडक्शन केटलू थाय छे, जे इंडिया में आपणे केटलू थाय छे, ओनली 11% प्रोड्यूस्ड इन अ पेट्रोलियम ऑइल। ओके दिस इज अ पार्ट ऑफ दिस बेजिक्स ऑफ पेट्रोलियम। ओके फर्स्ट जोईशुं आपणे 1.1 अकरंस एंड हिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम, एमां शुं आवशे तमारे सीम्पली ओरिजिन एंड फॉर्मेशन्स एना पॉइंट्स तमारे फॉलो करना होशे। जे कम्पोनट्स कया कया है, जेमा कार्बोडियन हाइड्रोजन परसेंटेज सल्फरना परसेंटेज नाइट्रोजन परसेंटेज के जुवा रहे। देन आफ्टर क्रूड पेट्रोलियम ऑइल रिवर्स इन इंडिया, हवे क्रूड पेट्रोलियम ऑइल रिवर्स इन इंडिया में केटला केटला परसेंटेज है, सपोज जोईशुं आपणे यूएसए केनेडा जापान यूरोप और चाइना। ओके तो नंबर वाइज ऑफ एलपीजी ना परसेंटेज केटला छे 9.1, पेट्रोल ना छे परसेंटेज 9 और फ्यूल ना परसेंटेज छे 10 और जो लो सल्फर ऑइल छे ओनली 52%। ओके देन क्लासिफिकेशन ऑफ पेट्रोलियम, जेमा पेराफेनिक बेस नेफ्थेनिक बेस और मिक्स बेस आवशे। ओके द फर्स्ट में जोईए आपणे हिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम क्रूड, जेमा केटला मिलियन टन्स यूरो कई कई देश में थाय छे ए जोवानुं रहेशे। ओके देन आफ्टर इंडिया इज अ पेट्रोलियम डिफिशियंट कंट्री, ए केटला परसेंटेज में आवे छे, एमां एलपीजी 9.1%, पेट्रोल 9%, फ्यूल 10% छे। ओके देन आफ्टर सेकंड पार्ट में जोईशुं 1B द एक्सप्लेन बेजिक्स ऑफ रिफाइनरी एंड प्रोडक्ट्स। हवे रिफाइनरी प्रोडक्ट्स कया कया होई शके, जेमां आपणी पासे 100% पेट्रोलियम ऑइल छे, पेट्रोलियम क्रूड छे, डीजल हेवीली 70% आवशे, अधर यूजिस 10% है। ये 10% अपन ने पेट्रोल रॉ मटेरियल पोलिस्टायरीन प्लास्टिक्स नाइलॉन है नाइलॉन 6/6 पोलिस्टायरीन घना बदा प्रोडक्ट्स है अपने जोईशुं आपणे। ओके देन आफ्टर स्टेट्स टाइप्स ऑफ रिफाइनरीज, कई कई टाइप्स आवे है जोईशुं। देन डिस्क्राइब द रिफाइनरी प्रोसेस फिजिकल एंड केमिकल चेन्जिस, जे फिजिकल माटे कया कम्पोनट हशे अने केमिकल माटे कया हशे ए जोवानुं रहेशे। देन आफ्टर रिफाइनरी प्रोसेस फिजिकल चेन्जिस अने केमिकल चेन्जिस माटे आवे छे। ओके देन आफ्टर फिजिकल अने केमिकल ट्रीटमेंट माटे आपणे डिटेल में जोईशुं। ओके दिस इज अ पार्ट ऑफ द यूनिट नंबर वन बेजिक्स ऑफ पेट्रोलियम। ओके ओरिजिन एंड फॉर्मेशन कम्पोजिशन ऑफ पेट्रोलियम जी आवशे ए भी आपणे जोईशुं, जेमां कम्पोजिशन्स थी थियरिटिकली यील्ड सिलेक्टिविटी फाइंड करवानी आवशे ए जोईशुं आपणे। ओके सैकंड टॉपिक है आपणो फ्रेक्शनेशन्स ऑफ पेट्रोलियम, जेमा डीहाइड्रेशन और डीसॉल्टिंग। ओके डीहाइड्रेशन और डीसॉल्टिंग्स आवशे। पाइप स्टील हीटर डिस्क्राइब प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ टेक्निक्स, एमा फिजिकल और केमिकल ट्रीटमेंट्स है ये जोवानुं रहेशे। ओके देन आफ्टर एरोमेटिक डिस्टिलेशन एटमोस्फेरिक और वेक्यूम, जे डेटाना बेसिस पर आधारित है, इनो डायमीटर केटलो छे इनसाइड डायमीटर आउटसाइड डायमीटर। ओके दिस इज अ पार्ट्स ऑफ दिस एटमोस्फेरिक डिस्टिलेशन और
वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट। सेकंड पार्ट्स छे फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम नो। डिस्क्राइब डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड एंड क्रूड रेसिड्यू द आइडेंटिफाई फिजिकल प्रॉपर्टीज पेट्रोलियम प्रोडक्ट फ्रैक्शंस एंड मेजरमेंट। तो यूनिट दिस इज विच पार्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड इट्स मेजरमेंट सम पेट्रोल डीजल कैरोसिन लुब्रिकेंट ऑयल सीएनजी कॉम्प्रेस नेचुरल गैस एंड पीएनजी लिक्विड एलपीजी लिक्विडफाइड पेट्रोलियम गैस अने सीओ ग्रीस जे ग्रीस ऑइल छे जे आपणे सॉफ्टनिंग पॉइंट फाइंड करवा माटे जोईशुं। ओके द पार्ट ऑफ द यूनिट नंबर टू। ठीक है फर्स्ट जोईए आपणे बेजिक्स ऑफ पेट्रोलियम रिफाइनरीमां अकरन्स एंड हिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम। अकरन्स मीन्स यानी कि जे जमीनमांथी अर्थक्वेक अर्थने क्रस्ट करे ने कया कया प्रदेश मळे जे फाइंड करवा माटे एनो यूज थाय छे। देन कम्पोजिशन ऑफ पेट्रोलियम जे हाइड्रोजनना प्रोडक्ट अने डीजल हाइड्रोजन અને કાર્બનના પર્સન્ટેજ કેટલા છે એ ફાઇન કરીશું। એક પર્સન્ટેજ કેટલા છે તેની આફ્ટર સલ્ફર નાઇટ્રોજન ઓક્સિજન એના બેઝિસ પર આવશે। ઓકે ધેન ડિસ્ક્રાઇબ ધ ડિસ્ટિલેશન ઓફ ક્રૂડ ઓઇલ આર ઓકે ધ એટમોસ્ફરિક અને વેક્યુમ ડિસ્ટિલેશન માટે। ધેન આઇડેન્ટિફાય ફિઝિકલ પ્રોપર્ટીઝ માટે જોયું આપણે પેટ્રોલ ડીઝલ કેરોસીન્સ લુબ્રિકેન્ટ ઓઇલ સીએનજી અને એલપીજી ગ્રીસ। હવે એના સમ ટેસ્ટીસ આવશે સ્મોક પોઈન્ટ ફ્લેશ પોઈન્ટ ફાયર પોઈન્ટ એનિલિન પોઈન્ટ ક્લાઉડ પોઈન્ટ એની ડેફિનેશન્સ આપણે વન બાય વન જોઈશું ડિટેલ્સમાં। ઓકે યુનિટ નંબર થ્રી રિફાઇનરી પ્રોસેસ। ઓકે ધ એમાં રિફાઇનરીમાં આવશે ક્રેકિંગ અને એના બે પાર્ટ્સ છે થર્મલ ક્રેકિંગ અને કેટાલિટિક ક્રેકિંગ। તો કમ્પેર ક્રેકિંગ મેથડ સેકન્ડ પોઈન્ટ એમાં સબ પોઈન્ટ્સમાં આવશે ડિસ્ક્રાઇબ ધ પર્પોઝ ઓફ ક્રેકિંગ એન્ડ ઇફેક્ટ ઓફ ટેમ્પરેચર એન્ડ પ્રેઝન્ટ પ્રેઝર્સ ઓન ક્રેકિંગ। તો વોટ ઇઝ અ ક્રેકિંગ ધ ડિસોસિએશન ઓફ ધી હાઈ મોલિક્યુલર કમ્પાઉન્ડ જે ચેનને બ્રેક કરે અને છૂટા પડે ઇઝ અ ડિસોસિએશન સિમ્પલ ઇઝ અ ક્રેકિંગ। થર્મલ ક્રેકિંગ અને કેટાલિટિક ક્રેકિંગ એ ડિટેલ્સમાં આપણે નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરમાં સ્ટાર્ટિંગ કરીશું ત્યાંથી જોઈશું આપણે। દેન ઇફેક્ટ ઓફ ટેમ્પરેચર એન્ડ પ્રેશર ઓન ક્રેકિંગ જેનો ફરક ક્યાં પડે ઇફેક્ટ ઓફ ટેમ્પરેચર પર અને પ્રેશર પર એ જોવાનું રહેશે આપણે। ધેન તો ક્રેકિંગ મેથડ એની બે મેથડ આવે છે થર્મલ ક્રેકિંગ અને કેટાલિટિક ક્રેકિંગ। હવે થર્મલ ક્રેકિંગના સિસ્ટમમાં એઝ અ ડાઉન લાર્જ કમ્પાઉન્ડ ઇન ટુ સ્મોલ કમ્પાઉન્ડ એટ હાઈ ટેમ્પરેચર અને પ્રેશર પર હોય છે। ઓકે થર્મલ કમ્પાઉન્ડમાં બ્રેકિંગ ડાઉન લાર્જ કમ્પાઉન્ડ ઇન ટુ સ્મોલ કમ્પાઉન્ડ એટ હાઈ ટેમ્પરેચર એન્ડ પ્રેશર તો કેટાલિસ્ટ હાઇડ્રોકાર્બન યુઝિંગ એન્ડ એસિડ કેટાલિસ્ટ ઇઝ અ હાઇડ્રોકાર્બન એસિડ કેટાલિસ્ટ જેમાં એસિડને યુઝ કરીને એ ચેનને બ્રેક કરશે। ઓકે દેન આફ્ટર એપ્લાઇંગ હાઈ ટેમ્પરેચર પ્રેશર જે ક્રેકિંગના રિએક્શન્સ છે એ જોઈશું આપણે। દેન એડ કેટાલિસ્ટ વિથ મોડરેટ ટેમ્પરેચર એન્ડ પ્રેશર જે ક્રેકિંગના ફ્લુઇડ કેટાલિટિક ક્રેકિંગ આવશે એ આપણે જોઈશું। ઓકે દેન આફ્ટર ફ્લુઇડાઇઝ બેડ કેટાલિટિક ક્રેકિંગ અને ફ્લુઇડ કેટાલિટિક ક્રેકિંગ જે તમારો ફર્સ્ટ પાર્ટનો બેઝિક્સ છે। દેન આફ્ટર આપણે જોઈશું એક્સપ્લેન ઓફ રિફોર્મિંગ એટલે કે રિફોર્મિંગ ઓફ ઇન્ટ્રોડક્શન્સ સમ ચેન્જ રિએક્શન્સ આવશે જે બેન્ઝિનની પ્રોડક્શન છે બેન્ઝિનમાંથી કઈ કઈ વસ્તુ જોવાની આવશે એ જોઈશું આપણે। ઓકે સાયક્લોબેન્ઝિન આવશે એ જોઈશું। દેન આફ્ટર કેટાલિટિક રિફોર્મિંગ પર્પોઝ ઓફ રિફોર્મિંગ પ્રોસેસ એના પર્પોઝ કયા કયા છે એ જોવાના રહેશે। દેન આફ્ટર આઇડેન્ટિફાય ઇફેક્ટ ઓફ ઇમ્પોર્ટન્ટ પેરામીટર ઓન રિફોર્મિંગ દેન આફ્ટર પ્લેટફોર્મિંગ કેટાલિસ્ટિક રિફોર્મિંગના પ્રોસેસ કયા કયા છે એની પ્રોસિજર કઈ કઈ છે મેરોક્સ છે મર્કેપ્ટન ઓક્સિડેશન્સ આવશે। ઓકે ઇઝ અ પાર્ટ ઓફ ધ રિફાઇનરી પ્રોસેસ। ઇન ધ થર્ડ પાર્ટ એક્સપ્લેન ઇન બ્રીફ રિફાઇનરી પ્રોસેસ હાઇડ્રોટેટિંગ
हाइड्रो क्रैकिंग, डिलेट क्रोकिंग एंड विस ब्रेकिंग सिस्टम। सिंपली हाइड्रो क्रैकिंग प्रोसेस डिसोसिएशन ऑफ द कंपाउंड एंड विस ब्रेकिंग सिस्टम इज अ दिस वन ऑल विस ब्रेकिंग सिस्टम इज अ प्रोसेसिंग यूनिट इन एंड ऑयल रिफाइनरी हुज पर्पोज इज टू रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ रेसिड्यूल ऑयल प्रोड्यूस्ड इन द डिस्टिलेशंस ऑफ क्रूड ऑयल एंड टू इंक्रीज द यील्ड और मोर वैल्यूएबल मिडल डिस्टिलेटेड हीटिंग ऑयल डीजल बाय रिफाइनरी। शू कीधु रिड्यूस द क्वांटिटी ए विस ब्रेकिंग सीस्टम क्वांटिटी ने रिड्यूस करते देन आफ्टर इंक्रीज द यील्ड एंड मोर वॉल्युएबल मिडल डिस्टिलेट्स द पार्ट ऑफ द हीटिंग ऑफ हीटिंग ऑयल डीजल बाय रिफाइनरी। ओके द वाइड स्पेक्ट्रम एंड थर्मल क्रैक ऑपरेशन विस ब्रेकिंग ऑपरेशन इन द फर्स्ट स्टेजिस में आवशे। ओके दिस इज द पार्ट ऑफ द विस ब्रेकिंग सीस्टम। ये अलग अलग पार्ट्स में जो अपने हाइड्रोट्रिएटिंग, हाइड्रो क्रैकिंग, डिलेट क्रोकिंग अने विस ब्रेकिंग माटे। ओके देन आफ्टर ट्रीटमेंट एंड टेक्निक कई कई टेक्निक्स आपणे यूज करवानी छे ए जोईशुं। फर्स्ट वन स्टेट द पर्पज ऑफ सल्फर रिमूवल। हवे सल्फर ने रिमूव करवानी प्रोसेस यानी कि स्वीटनिंग प्रोसेस छे। हवे स्वीटनिंग कोने कहीशुं ए आपणे भी फाइंड कर जोईशुं। देन आफ्टर एक्सप्लेन मेथड ऑफ सल्फर रिमूवल अने की लीड डॉक्टरिंग स्वीटनिंग प्रोसेस छे जी लीड ऑक्साइड अने डायसल्फाइड ऑक्साइड नो आपणे यूज़ करीने आपणे जे रिएक्शन्स जोईशुं। ओके देन कैटालिटिक डिसल्फराइजेशन प्रोसेस। हवे एना पर्पोज कया छे ऑफ मेथड और सल्फर रिमूवल जे लीड डॉक्टरिंग ऑफ गैसोलिन प्रोसेस छे लीड डॉक्टर ऑफ गैसोलिन प्रोसेस। देन आफ्टर कैटालिटिक डिसल्फराइजेशन मेरोक्स ट्रीटमेंट छे इज अ पार्ट ऑफ द दिस सिचुएशन्स फाइंड करीशू। देन मेरोक्स ट्रीटमेंट एक्सप्लेन ट्रीटमेंट एंड केरोसिन बाय लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड एक्सट्रैक्शंस ट्रीटमेंट ऑफ केरोसिन बाय लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड एक्सट्रैक्शन जोईशू। फुरफुराल एक्सट्रैक्शन, फिनोल एक्सट्रैक्शन ड्यू टू सोल एक्सट्रैक्शन प्रोसेस द पेट्रोलियम रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स। ओके द यूनिट नंबर फोर ट्रीटमेंट अने टेक्निक यू माटे छे। ओके देन आफ्टर एक्सप्लेन ट्रीटमेंट ऑफ केरोसिन बाय लिक्विड एसिड टू एक्सट्रेक्शन्स। हवे ट्रीटमेंट ऑफ केरोसिन हवे केरोसिन की प्रॉपर्टीज कई कई है एम स्मोक पॉइंट, फ्लैश पॉइंट, फायर पॉइंट आवशे। ओके देन आफ्टर फुरफुराल एक्सट्रेक्शन्स जी कीधु डिस्टिंग्विश सॉल्वेंट एक्सट्रेक्शन प्रोसेस फुरफुराल एंड फिनोल एक्सट्रेक्शन। देन द फिनोल एक्सट्रेक्शन मेथड ए प्रोसिजर आवशे कि फ्लो डायग्राम में जे स्टेप बाय स्टेप तमने शीखवानुं मळशे एमां। ओके देन कैटालिटिक डिसल्फराइजेशन एंड द मरकैप्टन ऑक्सीडेशन। ओके द यूनिट सॉल्वेंट एक्सट्रेक्शन एम जुड़े अपने देन आफ्टर डिस्क्राइब पर्पज ऑफ डीवॉक्सिंग डीवॉक्सिंग कम्पेर डीवॉक्सिंग टेक्निक एम पर्पज ऑफ डीवॉक्सिंग कया है डीवॉक्सिंग टेक्निक कई कई है डीवॉक्सिंग विदाउट सॉल्वंट विथ सॉल्वंट्स है ये जुवा रहे अगेन द कीटोन डीवॉक्सिंग एंड पर्पज प्रोपेन डीवॉक्सिंग। ओके देन आफ्टर लास्ट चेप्टर जो फर्स्ट फोर चेप्टर है दिस वन बेजिक्स ऑफ पेट्रोलियम फ्रेक्शनेशन ऑफ पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रोसेस ट्रीटमेंट एंड टेक्निक यू ए फर्स्ट फोर चेप्टर है तमारा पेट्रोलियम रिफाइनरी है जेमा बेजिक्स ऑफ पेट्रोलियम में गैसेस पेट्रोल डीजल केरोसिन नेफ्था। ओके ये जोयू छे। देन सेकंड पार्ट है तमारो पेट्रोकेमिकल्स जेमा सी वन कार्बन, सी टू कार्बन, सी थ्री और पॉलिमर्स आवशे एना बेसिस पर आपणे जोवानुं रहेशे। द फर्स्ट वन डिस्क्राइब दिफ डेवलपमेंट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज गुजरात इन इंडिया। तो गुजरात इंडिया में क्या क्या पेट्रोकेमिकल्स है इथेन, मिथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन
pentane, the different types of the carbon chain. Okay, the development of petrochemicals in Gujarat, in India, in a basic issue apne. Second part mein aavse, draw flow chart for manufacturing of C1 compounds method, formaldehyde, C2 compounds, ethylene dichloride, vinyl dichloride, ethylene oxide, polypropylene, propylene. जी सम कम्पाउंड्स चेन माटे C1 C2 ने C3 माटे इन आपणे मेजरिंग प्रॉब्लम जोईशुं, फ्लो डायग्राम जोईशुं, यूजिस जोईशुं अने एप्लिकेशन्स जोईशुं. ओके, द केमिकल्स ना फ्रॉम एरोमेटिक्स कया छे, मेन्युफेक्चरिंग ऑफ लीलर आल्काइल बेन्झीन छे एने मेन्युफेक्चरिंग फिनोल बाय बेन्झीन सल्फोनेट प्रोसेस छे. एना बेसिस टोटली डिटेल्स आपणे चेप्टर वाइज जोईशुं. ओके, दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द PRPT. Thank you so much.